थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने भारत चीन सीमा विवाद पर बिना किसी देश का नाम लिए कहा है कि भारत सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की अहमियत जानता है, इसलिए हम विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन पर जोर देते हैं, न कि सेना या फोर्स के इस्तेमाल पर। जनरल पांडे ने यह भी कहा कि भारत दुनिया भर में कई जगहों पर अपनी डिफेंस विंग बना रहा है। भारतीय सेना मित्र देशों के साथ ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग के दायरे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। थल सेना अध्यक्ष ये भी बोले कि सभी के हितों की रक्षा करने का भारत का कमिटमेंट सालों से एक जैसा चला आ रहा है। डिफेंस सेक्टर में भारत का मल्टीलेटरल रोल अहम हो गया है। आर्मी चीफ दिल्ली में चाणक्य डिफेंस डायलॉग में बोल रहे थे। इसे भारतीय सेना के सेंटर फॉर लैंड वायरफेयर स्टडीज ने आयोजित किया। इसका मकसद साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक में डिफेंस चैलेंजेस विश्लेषण करना है, ताकि इन क्षेत्रों में भारत को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।